हेलो दोस्तों, अगर इस तरह से स्टंट करने में सांप अगर किसी को भी काट ले तो वो गलती सांप की नहीं होती, अपने आप ही ध्यान रखना पड़ता है, तो ऐसा कभी ना करे, ध्यान रखे। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्नेक लावरा निरुच जगेदवड़ी यहाँ पे तणसा आया हूँ। मेरे गांव से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पे और ये रसोई रूम में सांप घुसा है। अभी देखते हैं यहाँ पे है कौन सा है, अभी पता तो नहीं है। और दोस्तों, सांपों के बारे में कई सारी बातें हमने सुनी है जो बहुत बुरी है, क्योंकि अभी भी थोड़े दिनों पहले ऐसी बात आई थी कि एक बच्ची को सांप ने काट लिया था। कोबरा ही है दोस्तों, अभी इसको बाहर ला के अच्छे से आपको वीडियो दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, अभी अभी वो बच्ची के साथ एक हादसा हो गया था, सांप ने काट लिया था, तो उसको अस्पताल के बजाय ले गए थे मंत्र तंत्र में और वो बच्ची की मौत हो गई। तो आपको ऐसी गलती कभी ना करें, क्योंकि मंत्र तंत्र से जहरीले सांपों का जहर कभी उतरता नहीं है। अगर आपको जान प्यारी है, आपके बच्चों से प्यार है, तो उसे अस्पताल ले जाए, क्योंकि इसकी सारवार सिर्फ और सिर्फ अस्पताल में ही होती है। तो दोस्तों, ये कोबरा सांप है, ये तो मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ये सांप जहरीले होते है। ऐसे ही बेहद खतरनाक होते हैं, लेकिन बेवजह किसी को परेशान नहीं करते हैं। लेकिन अगर काट ले तो किसी मंत्र तंत्र से इसकी सारवार कभी नहीं हो सकती। अभी तो ये एकदम शांत है, इसलिए इस तरह बैठा है, वरना ऐसे छोटे सांपों को इस तरह से पकड़ना जानलेवा साबित हो सकता है। और सांप चाहे दोस्तों जहरीला हो या बिना जहर वाला, सांप को बिना ट्रेनिंग कभी भी हैंडल ना करे, इसे कभी भी छूने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अगर सांप को जरा से भी भनक होगी कि ये मेरे हाथ में है, तो यहाँ पे वो तुरंत काट लेगा, तो इसका पूरी तरह से ख्याल रखना पड़ता है। हाँ, डिब्बा थोड़ा अलग है, सामान बेकड़ी का। आ करे जे शुक्र भाई जी, अरे
ओके तो दोस्तों इस आपका रेस्क्यू भी हो चुका है, तो इसे कहीं अच्छी जगह पे रिलीज कर देंगे। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।